काश्मीरमधील दहशतवाद आणि प्रॉक्सी वॉरसाठी भारत नेहमीच पाकिस्तानला दोष देत आला आहे. पाकिस्तानला काश्मीर विषयावर वाटाघाटी करायच्या असतील तर त्यांनी दहशतवादावरही बोलावं अशी भारताची पूर्वअट राहिली आहे. आझाद काश्मीरचा पाकिस्तानचा अजेंडा नेहमीच दोन्ही देशांना एका टेबलवर येऊ देत नाही. पाकिस्तान दहशतवादाला पोचत नाहीच असंच पाकचं म्हणणं आहे. तर पाकिस्तानमध्ये दहशतवादी छावण्या असल्याचं अनेकदा सिद्ध झालं आहे. भारत पाक सीमावाद तिसऱ्या पक्षाकडून सुटणार नाही आणि यावर भारत गेल्या 70 वर्षांपासून ठाम आहे. त्यामुळंच डोनाल्ड ट्रम्प मध्यस्थी करू शकतील का यावर भारतीय संसदेत तीव्र पडसाद उमटलेले आहेत. पाहूया ट्रम्प यांच्या वक्तव्यानंतर भारतात उमटलेल्या प्रतिक्रियांवर एक रिपोर्ट. काश्मीर मुद्द्यावर डोनाल्ड ट्रम्प मध्यस्थी करण्यास तयार आहेत या वक्तव्यानं आज भारताच्या राजकीय वर्तुळामध्ये भूकंप झाला. केवळ राजकीय नेतेच नाही तर परराष्ट्र संबंधाचे अभ्यासक, निवृत्त राजनयिक, संरक्षण तज्ज्ञ यांनी सुद्धा प्रखर टीका केली. बेजबाबदार वक्तव्य करणं ही ट्रम्प यांची सवयच आहे. आज ट्रम्प जे बोलले त्याच्या अगदी विरुद्ध ते काही तासात बोलतील, ट्रम्प यांची ही सवयच आहे, अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया सुद्धा उमटल्या. सारी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कह दिया हुआ है कि कश्मीर का इशू जो है बायलेटरल इशू है, जिसमें किसी प्रकार की कोई मध्यस्थता का कोई स्कोप नहीं है, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो या किसी और कंट्री. और ये बात अमेरिका के सेनेटर्स और अमेरिका के प्रेसिडेंट अच्छी तरह से जानते हैं. उसके बावजूद जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल स्टेटमेंट दिया है, बिना सोचा समझे इरेस्पॉन्सिबल और इरेशनल स्टेटमेंट है, जिसकी कंडेमनेशन वहाँ के सेनेटर्स ने भी किया है कि बिना सोचे समझे उसने जो स्टेटमेंट किया है वो अमेरिका के लिए बड़ी एम्बेरसिंग है और हार्मफुल है. शिमला और लाहौर एग्रीमेंट में साफ तौर पर दर्शाया है कि इसको कैसे रिजॉल्व करना है, और हम किसी प्रकार से कोई पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेंगे जब तक वो हर प्रकार की टेररिज्म हिंदुस्तान के खिलाफ ख़त्म नहीं करेगा. और ट्रंप को भी बाद में महसूस हुआ और उसने भी कहा कि पाकिस्तान को हर प्रकार की टेररिज्म अपनी सॉइल से ख़त्म करनी पड़ेगी. लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं अक्सर इस माफी की स्टेटमेंट बोलते रहते हैं. नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमारे प्रधानमंत्री कोई ऐसी बात करेंगे, क्योंकि हमारी पॉलिसी आज से नहीं पिछले 70 साल से ये है कि भाई तीसरी पार्टी का दखल नहीं होगा इसमें. ये दोतरफा मामला है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में. अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये बयान दिया हो, मगर वो वक्तन फवक्तन ऐसे बयान दे देते हैं. सर, इस बयान का कोई मकसद हो या कुछ हो सकता है? नहीं, कुछ नहीं पता. मुझे नहीं पता कि ये ज़रूरत क्या थी इसको कहने के लिए. अब मेरे ख्याल में 2 दिन बाद कह देंगे मैंने नहीं कहा. भारताचे माजी परराष्ट्र मंत्री नटवर सिंह यांनी ट्रम्प यांच्या स्वभावावरच टिप्पणी केली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प मनात येईल ते बोलतात, त्यांना गांभीर्याने घेण्याची गरज नसल्याचं नटवर सिंह यांनी म्हटलंय. तर संरक्षण तज्ज्ञ शिवाली देशपांडे यांनी ट्रम्प हे धूर्तपणे वक्तव्य करत असल्याचं मत मांडलंय. अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ये सारी चीजें कर रहा है क्योंकि अमेरिका का बिजनेस इंटरेस्ट है इसमें. भारत ने 28 प्रोडक्ट्स के ऊपर, अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं. और ये जो किया है ये क्यों किया है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेफरेंशियल ट्रेड जो भारत को देते थे वो टैग उन्होंने निकाल दिया, तो उसके जवाबी कार्रवाई में हमने ये टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं. डोनाल्ड ट्रंप यांच्या वक्तव्यानंतर काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी अत्यंत संतुलित प्रतिक्रिया दिली आहे. ट्रम्प मनात येईल ते बोलतात, भारतीय माध्यमांनी ट्रम्प आणि इम्रान खान यांचा संवाद व्यवस्थित ऐकावा, नाहक टीका करू नये असं थरूर यांनी म्हटलंय. मोदींविरुद्ध आपली तक्रार नसल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. मेरे ख्याल में ट्रम्प को पता नहीं खुद की क्या वो बोल रहा है, और मतलब ये अंतरराष्ट्रीय विषय जो है मेरे ख्याल में वो ठीक तरह समझा नहीं, किसी ने उसको ब्रीफिंग नहीं दिया. ये नामुमकिन है कि मोदी ऐसे पूछ सकता है किसी और को, क्योंकि हमारे देश की पॉलिसी बहुत क्लियरली साबित हुआ बहुत साल पहले कि हमें कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं चाहिए. अगर पाकिस्तान से बात करनी है तो हम डायरेक्टली कर देंगे, क्योंकि हमारे आपस में क्या कठिन है, भाषा भी एक ही है, बोल सकते हैं. तो ये नहीं चाहते हम कि कोई और आके उनके पॉलिसीज लेके आए, हम तो बीच में आपस में सीधे बोलेंगे. तो इसलिए मैंने कल ही ट्वीट किया था जब ट्रंप ने ये स्टेटमेंट उतारा कि ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल गलत ही होगा, लेकिन MEA को क्लैरिफिकेशन निकलना चाहिए. और MEA तो आधा घंटा के बाद क्लैरिफिकेशन निकल दे तो मेरे कोई शिकायत नहीं है. हाँ, क्योंकि अगर आप वो टेप देखेंगे, पहले इमरान बोलते हैं कि मीडिएशन चाहिए, तो ट्रंप उसके बाद कोई शायद जानकारी नहीं है, वो किसने कहा हाँ हम करने के लिए तैयार है. तो आप अगर टेप देखिए तो इमरान खान ही ये शुरू करें.
थरूर यांनी तर्कशुद्ध प्रतिक्रिया दिली आहे, तर विरोधी पक्षातील काही नेत्यांनी पंतप्रधान मोदींवर सडकून टीका केली. पूर्वी परराष्ट्र दौऱ्यानंतर त्याचा तपशील संसदेमध्ये मांडला जात होता. ही परंपरा मोदींच्या कार्यकाळामध्ये खंडित झाली असल्याची टीका सुद्धा करण्यात आली आहे. पंतप्रधानांच्या परराष्ट्र भेटीचे तपशील संसदेत देणं आणि त्याविषयी सर्व काही जाणून घेणं हे प्रत्येक खासदाराचा अधिकार असल्याचं सुद्धा विरोधकांनी म्हटलं. कभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जब बाहर जाते थे और हेड ऑफ स्टेट से बात करते थे तो आकर पार्लियामेंट सेशन में होती थी तो हमेशा बयान देते थे. पहली बार ऐसा हो रहा है कि 6 साल में सैकड़ों बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बाहर गए, दूसरे राज्याध्यक्षों से मिले, एक बार भी अपनी यात्रा का विवरण आके या उस पर कोई स्टेटमेंट पार्लियामेंट में नहीं दिया. और केवल स्टेटमेंट ही नहीं देते थे, उस स्टेटमेंट पर क्लैरिफिकेशंस मांगने का अधिकार, पूछने का अधिकार हर एमपी को हुआ करता था और लोग क्लैरिफिकेशंस पूछते थे. ये सारी परंपराएं, स्वस्थ परंपराएं खत्म होती जा रही हैं. अमेरिका के प्रेसिडेंट भारत के प्रधानमंत्री का नाम दिया है तो इस को अगर कोई ठीक कर सकता है तो भारत के प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं जिसके बारे में ट्रंप ने जिनका नाम लिया है. तो हमारी मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम उन पर यकीन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कृपा करके दोनों सदनों में ये कहें कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सामने वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनसे मध्यस्थता के लिए अनुरोध किया और उन्होंने कहा है कि मैं खुश होऊंगा कश्मीर मसले पे मध्यस्थता करने में. ये भारत की संप्रभुता, भारत के गौरव, भारत के सम्मान, भारत की प्रतिष्ठा के खिलाफ कही गई बात है और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रेफरेंस में कहा गया है. इसलिए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोनों सदनों में आके सत्र चल रहा है स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उनकी क्या बातचीत हुई, क्या गुपचुप उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत कर लिया जो हमारी विदेश नीति के खिलाफ है. एकीकडे विरोधकांनी पंतप्रधान मोदींवर टीका केली तर संरक्षण तज्ञांनी कश्मीर विषयीचं भारताचं धोरण कायम आहे आणि कायम राहील असा विश्वासही व्यक्त केला. ट्रम्प यांच्या वक्तव्याच्या निमित्तानं आज संसदेमध्ये सर्व विरोधी पक्ष एकवटल्याचं चित्र दिसून आलं. यामध्ये मूलभूत मुद्दा असा, पंतप्रधानांच्या परदेश भेटीविषयीचा किती तपशील संसद सदस्यांना द्यावा, कोणता तपशील गोपनीय ठेवावा यावर यानिमित्तानं चर्चा सुरू झाली आहे. देशाचे पंतप्रधान परदेश दौऱ्यावर जातात, याचं फलित काय हे जाणून घेण्याचा अधिकार लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना निश्चितच आहे, हे मात्र या निमित्तानं अधोरेखित झालंय. ब्युरो रिपोर्ट, AM न्यूज. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक, कमेंट आणि शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमचं चॅनल आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तसंच डाउनलोड करा आमचं ॲप आणि भेट द्या आमच्या वेबसाईटला www.amnews.live.